दोस्तों, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय चैनल सुबह गौरव। सारा सामान लेके आ गए थे हम, ब्रेड, बनाना, दूध और कुछ सब्जियां, जिसमें हैं बैंगन, फूल गोभी और पालक। तो आज बनेगा वो है ब्रेड के पिज़्ज़ा टोस्ट, बहुत टेस्टी बनते हैं। और उसके लिए हमें चाहिए सूजी एंड मलाई। तो सूजी जो है अपने हिसाब से ले लीजिए जितना आपको चाहिए, एंड मलाई फ्रेश होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और जो ये रेसिपी है मैंने अपने सिस्टर के घर पे खाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी, मतलब कि बहुत पहले जब उसकी नई नई शादी हुई थी तो वो हमें बहुत चीज़ें बना के खिलाया करती थी। उनमें से एक ये चीज़ थी जो मुझे बहुत टेस्टी लगी, एंड ये मैं सेकेंड टाइम बना रही हूँ अपने शादी के बाद। तो अब देखिए, इसमें मलाई डालने के बाद थोड़ा पानी डालकर इसको छोड़ दीजिए ताकि जो सूजी है वो भी फूल जाए। एंड उसी के साथ मैंने गौरव के लिए मेथी दाने का पानी बॉईल कर रही हूँ। एंड आपको याद है लास्ट टाइम मैंने मिर्ची आपको दिखाई थी, अभी तक फ्रेश है। अगर आप ऐसे रखेंगे तो हमेशा फ्रेश रहेगी, बस पानी नहीं जाना चाहिए। तो ये करके रख दिए। इसमें कैप्सिकम, मिर्च, टमाटर और प्याज जाएगा। इसमें जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च हो तो तभी बनाएं, अदरवाइज जो टेस्ट है इसका कम आएगा। और उसको अब जितने भी वेजिटेबल्स और भी चीज़ आप डाल सकते हो, बट कैप्सिकम इज मस्ट। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एंड उसके बाद जो ऑरिगेनो है इसको मैंने डाल दिया, और थोड़ा सा मैंने नमक ऐड कर लिया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और उसी के साथ जो मैं मिर्ची है घर पे पीसती हूँ, तो एज अ चिली फ्लेक्स मैंने उसको डाल दिया है, क्योंकि ये क्या नहीं खाएगा, बस हम दोनों के लिए है। और गौरव अभी उठे नहीं थे तो सोचा कि मैं बाकी के कपड़े लगा देती हूँ। गौरव दोबारा सो गए थे एंड क्यान के साथ है, नहीं तो क्यान जल्दी उठ जाता है। सोचा कि तो मैं कपड़े लगा लेती हूँ। और जब से मैं अब लिक्विड यूज़ करती हूँ काफ़ी अच्छा है। एंड जितने भी गौरव की शर्ट हैं चेक कर रही हूँ, कहीं कॉलर एंड जो कफ्स हैं गंदे हैं तो पहले उनको मैन्युअली धो के फिर डालूँगी, बट इतने गंदे नहीं हैं। तो ये सब काम जो है मॉर्निंग में कर दिया जाए तो ये होता है कि पूरा जो बाकी का टाइम होता है फ्री रहता है। तो बस ये लगा कर अब मैं जाऊँगी दोबारा से किचन में दिन की सब्जी बनाने के लिए। और जो दिन को सब्जी बनेगी वो है पेठा। अब कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, और जो उसमें पहले भी मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की हुई है, तो इसमें मैं जो कड़ी पत्ता हो गया है एंड राई हो गई है, जीरा हो गया है एंड मेथी दाना हो गया है, और टमाटर ये सब डाल के, और थोड़ा सा हींग, ये सब डाल के अच्छे से कर दूंगी। और इसमें जितने भी बाकी मसाले जाते हैं, हल्दी, मिर्च, नमक, ये सब ऐड ऑन करके इसको अच्छे से पकने दूंगी। और जब तक वो पक रही है मैं यहाँ बना लूँगी अपने जो पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा सैंडविच बहुत टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। एंड बस अब ब्रेड लेनी है, इसमें एक लेयर ऐड, इसमें अच्छे से स्प्रेड कर देनी है। एंड ज़्यादा लिक्विड ही नहीं बनानी, आप देख सकते हैं कितना थोड़ा सा थिक है ये, जैसे पीनट बटर होता है उससे हल्का सा पतला है ये। बस अच्छे से लगाने के बाद आप इसको चाहे घी में बनाइए, तेल में बनाइए या फिर बटर में बनाइए, सबका स्वाद अच्छा आता है, बहुत टेस्टी बनते हैं, बस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चाहे किसी के साथ भी बनाइए। और अगर आप थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस में हैं तो आप मलाई की जगह दही यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको मैं इसका कलर दिखाती हूँ कितना अच्छा आया, ये देखिए बहुत टेस्टी लगता है ये। बट अगर आप दही के साथ बनाएंगे तो ऐसा टेस्ट नहीं आता, उसका थोड़ा चीले वाला टाइप जो टेस्ट आता है। बट एवरेज मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे ट्राई कीजिएगा तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। तो अब ये है कि जितने भी काम हैं सारे, जब भी कोई काम करने के लिए बैठता है तो सबका ये होता है, अभी हमें टाइम तो इतने काम होते हैं। और आज यही था कि मेरी मेड नहीं आ रही थी तो सारे काम मुझे ही करने थे। एंड ये फ्राइडे का व्लॉग है, एंड हम 14 को शादी में गए थे, 15 को हम वापस ही आए थे। तो आप लगा लीजिए इसके नेक्स्ट डे का है, तो बिल्कुल थके हुए थे, और ऊपर से मेड नहीं आए तो हालत ही ख़राब से हो रखी थी। तो साथ ही मैंने जो पेठा था वो भी डाल दिया है, और उसको मिक्स करके उसको ढक दूंगी। एंड आपको क्लोजली दिखा रही हूँ कितना अच्छा बना है, एंड गौरव को तो बहुत ही अच्छा लगा। ये मैं थर्ड टाइम बना रही हूँ, मतलब कि पहले एक बार बनाया था गौरव को अच्छे लगे, और इस टाइम जो मैंने हरी मिर्ची ये सब चीज़ें ऐड की तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आया।
लास्ट टाइम इसलिए डाला था, आई थॉट कि क्या पता क्या खा ले, बट क्या ने नहीं खाया था, तो मैं समझ गई कि इस बार भी नहीं खाएगा, तो मैंने उसके बाद में आलू की परांठी ही बनाई थी। तो ऐसे करके दोनों काम मेरे बैक टू बैक जल्दी चले चले जा रहे हैं। एंड जैसे कि बताया मेड नहीं आ रही है, तो मैंने एक दिन पहले ही अपने माइंड में सारा रूटीन अपना सेट कर लिया कि मुझे कब कब कौन से क्या क्या काम करने हैं। बस जो एक्स्ट्रा काम आया है वो है पालक बिनने का, उसको देखते हो कहाँ सेट करना है। अगर आप भी ऐसे ही करेंगे कि पहले से ही माइंड में प्रिपरेशन करके रखेंगे कि मुझे नेक्स्ट डे कब कौन सा क्या काम करना है, तो जो आपकी जो भागम भागम भाग लगी रहती है ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग में या इवनिंग कभी भी, तो वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो आप एक दिन ऐसे करके देखिएगा कि जब आपके पास बहुत सारे काम हो या ना हो, अपना पूरा डे का रूटीन माइंड में सेट कर लीजिए कि मुझे पहले ये काम करना है, वो काम करना है, फिर आपको अच्छे से तो काम हो बाहर ने खा जाएगा। लिया, क्या ने खा लिया, अभी मेरा नाश्ता हो गया है। तो अब क्यान परेशान कर रहा है अपने पापा को काम करते करते। अब मैं इसके साथ जो ये टाइम होता है हमारा फैमिली टाइम होता है, जो थोड़ा सा बट अच्छा लगता है। और यहाँ पर क्यान थोड़ी सी अपनी मतलब की नौटंकियाँ कर रहा है, दिखा रहा है कि ओ मुझे मतलब कोई मुझे गन से मारो, मुझे लग गया, मैं गिर गया, ऐसे ही शो कर रहा है। तो जो कपड़े धुल गए थे गौरव छत पे ले, उन्होंने बोल लिया था मैं लेके चला जाऊंगा, तू बाकी अपने काम कर ले। तो जो पालक है ये थोड़ा मैंने स्टार्ट किया बिनना, बट आई थॉट कि ये ना करके जो बाकी का काम है जो मेरी प्रायोरिटी में है वो कर लेती हूँ, जो है बर्तन एंड झाड़ू पोछा लगाना, क्योंकि आज आंटी नहीं आ रहे, मुझे ही करना है, तो ये मम्मी कर सकते हैं या फिर मैं रात को कर सकती हूँ, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ क्यान के साथ थोड़ा मैं इंजॉय कर रही हूँ दोबारा से। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं और क्यान ऐसे लगे रहते हैं, और कभी कभी बीच में हमें गौरव भी ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे हमारे मस्तियों के बीच में। तो क्यान बस यहाँ से किसी ना किसी को आवाज़ देता रहता है जो भी उसको मिल जाए। और जब तक कि वापस को मैं लेकर गई तो गोभी जो आई थी उसको मैंने काट के रख दिया ताकि सारा गंद जो है नीचे गिर जाए, फिर उसके बाद मैं अच्छे से झाड़ू लगाऊं। अब गौरव और क्यान चले गए छत पे कपड़े सुखाने के लिए, तो सोचे मैं तब तक झाड़ू लगा देती हूँ फटाफट, क्योंकि झाड़ू लगा रहेगा तो पोछा आराम से लग जाएगा, अब इतनी ज़्यादा गर्मी है नहीं। और कभी कभी क्या होता है जब हम झाड़ू या पोछा लगा रहे तो हमारी बैक पेन हो जाती है, तो जिनके बैक पेन रहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँ कि आप ऐसे बैठ कर, जैसे मैं बैठी हुई हूँ ऐसे बैठ के झाड़ू एंड पोछा लगाइए, क्योंकि हमें इतनी आदत नहीं होती कि हाफ बेंड होके हम झाड़ू लगाएं। अगर हम ऐसे झाड़ू लगाते तो हमारे बैक पेन बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि हम यूज़ टू नहीं है ऐसे कामों के लिए। तो अगर आप ऐसे बैठ के लगाएंगे, हाँ दो दो 3 मिनट का फ़र्क पड़ता है, लेट लगता है, बट ये कि अच्छे से झाड़ू लग जाता है, साथ में बैक पेन नहीं होता है। आप भी एक बार ऐसे बैठ के ट्राई करिएगा तो आपका भी बैक पेन नहीं होगा। तो उसके बाद क्यान ने एक छोटी सी वीडियो बना दी थी क्यान की कि ये कपड़े सुखाने का वह नीचे आ रहा है, तो मैं सोचा क्यों ना मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। तो क्यान ऐसे ही करता रहता है जब भी उसको पता होता है कि यहाँ छत पर कपड़े सुखाने एंड लेकर जाने हैं। तो जी मेड के सुख के साथ साथ कुछ दुख भी होते हैं, ये कि वो बर्तन तो अच्छे से मांजते हैं बट ये सब चीज़ें छोड़ देती हैं गंदे। अब इतने गंदे हैं इनको मैं करूँगी बाद में साफ, उससे पहले मैं कर लूँगी पहले बर्तन, क्योंकि बर्तन रात के भी हैं, कल रात को नहीं हो पाए थे क्योंकि कम भी थे, ऐसे आदमी में बहुत थकी हुई थी, सीधा शादी के आने के बाद ऑफिस बैठ गए थे, ऑफिस के बाद फिर क्यान के साथ टाइम स्पेंड करना, उसको हर चीज़ करना थोड़ा हेक्टिक हो गया था, तो वो मैंने छोड़ दिए थे। तो रात के एंड सुबह के मैं अभी साथ में ही कर रही हूँ। एंड ये हमेशा मैं नोटिस किया जब भी मैं मेड लगाती हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा लिथार्जिक फील करती हूँ, जैसे कि आज मैं कर रही हूँ सारे काम तो मुझे बहुत हैवी लग रहे हैं। एंड जब मैं खुद से करती थी ये काम कब कब हो जाए करते थे मुझे पता ही नहीं चलता था। तो ये तो है कि अगर आप खुद ही सारे ऐसे काम करें तो आप बहुत एक्टिव एंड एनर्जेटिक फील करते हैं, बट आज मैं बिल्कुल भी ऐसा हो रहा कि ओ माय गॉड कितने काम है, बल्कि ये सारे काम ऐसे हैं जो मैं खुद कर रही थी आधे महीने पहले, क्योंकि मैंने आधे महीने पहले ही मेड लगाई है। बट ये है कि चलो जो भी है करना तो है ही काम।
तो ये फटाफट मैं कर रही हूँ क्योंकि अभी कैन नहीं आए हैं। कैन और गौरव सीधा बाहर ही निकल गए थे, क्योंकि जब भी गौरव छत पे, सॉरी, गौरव कैन को लेके छत पे जाते हैं तो गौरव थोड़ा डिमांड कैन डिमांड करता है गौरव से कि मुझे बाहर लेके चलो, तो वो चले गए थे बाहर। तो फटाफट मैंने झाड़ू, मतलब कि बर्तन करने के बाद झाड़ू पोछा भी कर दिया था, तो ऐसे करके मैंने अपने काम निपटाए हैं आज। तो काम तो ज़्यादा होते नहीं है, बट ये कि हम हमारे पास जब एक हेल्पिंग हैंड होता है तो हमारा ये हो जाता है, चलो वो कर रहे हैं तो हम रिलैक्स करें या बच्चों को टाइम दें, कुछ अपना और काम करें। बट जब वो नहीं आ रहा तब हमें एक्चुअल में रियलाइज़ होता है कि ये सारे काम करना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे खुद के लिए भी, सो दैट सर चीज़ मेंटेन रहे। एंड आज मेरी नहीं आई थी, तो जितने भी काम ऐसे होते हैं जो गंदे होते हैं, तो जी अब यहाँ पे मैं सिंक साफ़ करूँगी एंड जितने भी टैब है वो साफ़ करूँगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप भी, चाहे एक या 2 मिनट लगते हैं मुश्किल से, बट आपके जो ये सिंक एंड टैब है सारे चमकते रहेंगे। मैं एक बार करती हूँ क्योंकि रात को मैं कैन को टाइम देती हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों टाइम कीजिए, तो आपकी किचन बिल्कुल भी गंदी नहीं लगेगी। अब देखिए कितनी साफ़ लग रही है मेरी किचन, तो ये छोटा सा बस मुझे 1 मिनट लगा होगा या 2 मिनट मैक्स टू मैक्स, एंड सारी मेरी किचन अच्छे से मिट गई है एंड बर्तन धुल गए। एंड जो ये आपको डस्टबिन दिखा जाए इतना गंदा था, उसको भी मैंने वॉश किया, सारी कोई भी मेड नहीं करती है। वो वॉश करने के बाद अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ थोड़ा सा बेडरूम समेटने के लिए। एंड सारे साथ मैंने कैन के लिए एक रोटी बना रही थी ताकि वो खाए। एंड बच्चों को आप देते हो ना परांठी, तो उसको ट्राई करो कि वो खुद खाना स्टार्ट कर, छोटी छोटी ग्राई करके दे दो एंड वो खुद खाता रहेगा बच्चा। अब मैं क्या उनके साथ ऐसे करती हूँ, उसको खुद खाने में मज़ा आता है। अब यही नहीं कहता कि मुझे खिलाओ, बिल्कुल भी नहीं, खुद खाता है ये अच्छे बच्चे की तरह। और बस इसलिए क्योंकि इसका मैंने फ़ोन एंड टीवी बहुत कम कर दिया है, तो अगर आप ये सब चीज़ें कम करोगे तो बच्चा आपकी बात मानेगा। एंड अब बच गए हैं 3, क्या उनको मैंने सुला दिया और मैं दोबारा अपना काम करने के लिए बैठ गई हूँ। तो मेरा ऐसे ही काम चलता रहता है। तो ये उसके उठने के बाद की मस्ती है जो हम इसके साथ करते रहते हैं। तो ये सब टाइम जो होता है यही हमारा मस्ती का होता है। एंड शाम को आ गया था मेरा भाई, तो काम करने के बाद मैंने दोबारा 6:30 के आसपास मैंने बर्तन कपड़ों का लोड लगा के सुखा दिया था। एंड अब बज गए हैं 10 और अब हम जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए भाई के साथ। तो ये मैंने बस ज़्यादा सिंपल ही रेडी हुई हूँ, ज़्यादा मेकअप कुछ नहीं किया, लिपस्टिक लगा ली है एंड जैकेट पहन ली है क्योंकि थोड़ी सी ठंड है। और जो कपड़े मैंने मॉर्निंग में धोए थे वो आ गए हैं, टाइम लेके तो धो दूँ अभी इनको, कपड़े को तय कर दूँगी अदरवाइज कल करूँगी। यहाँ पे कैन अपना खेल रहा है और यहीं मेरा व्लॉग भी एंड होता है। अगर आपको किसी वजह से मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।